मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ साहब? ठीक है, तो अभी शुरू कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नवीन है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक एलीट मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ। मैं फाउंडर हूँ ये एलीट मैनुअल थेरेपी इंस्टीट्यूट का, और पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में कुछ हमारे मेहमानगण आए थे जिन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में काफी कुछ हमें जानकारी दी, उनके सक्सेस ऑफ मंत्रा हमने शेयर करें। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे साथ अभी एक हरियाणा के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथी हैं, जिनको उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर रविंदर कुमार मुदगिल। सो डॉक्टर मुदगिल, आप एक अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का, और जो कार्य क्षेत्र है उसमें मैं अपने पीछे क्लिनिक्स रन करता हूँ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप में, और साथ ही साथ मैं एकेडमिक्स में भी हूँ। और इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल अभी बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटी काफी करते रहते हैं एसोसिएशन के बैनर के अंडर। हम लोग ज्यादा डिटेल तो बताना मैं समझता हूँ कि यहाँ ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर मोदगिल, आप अपने लाइफ में ज्यादा एंजॉय कौन सी जॉब करते हैं? आप एज ए टीचर ज्यादा एंजॉय करते हो या एज ए क्लिनिशियन ज्यादा एंजॉय करते हो? सर एक्चुअली मैं तो हर फेज में एंजॉय करता हूँ। फिर भी अगर कंपेयर करना हो तो कौन सा ज्यादा अधिक प्रिय है आपको? टीचिंग ज्यादा प्रिय है या क्लिनिक? दोनों के प्रोज कॉन्स दोनों के हैं, इसलिए मुझे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। मतलब देखिए, दोनों की एक ब्यूटी है। जब आप टीचिंग में होते हैं तो आप बहुत सारे फ्यूचर को, जो इतने सारे यंग माइंड्स आपके पास, आपके स्टूडेंट हैं, उनको मोल्ड कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप क्लिनिक में होते हैं तो आप कितने ही पेन में, जो पेशेंट आपके पास आता है, जब आप उसको ठीक कर देते हो तो वो भी एक अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। तो मेरे लिए दोनों ही बेस्ट है सर। आपको कितने कितने समय से आप इस प्रोफेशन में जुड़े हैं? करीब 12 साल हो गए हैं सर मुझे प्रैक्टिस में आए हुए, टीचिंग में भी अब करीबन करीबन 5 साल के करीब तो होने को हो गया है टाइम। और आप अपने जो आपकी एसोसिएशन है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? एसोसिएशन आज से लगभग 10 वर्ष पहले हमने शुरू किया था, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का एक बैनर। बेसिकली उसको शुरू करने के पीछे मोटो यही था कि हरियाणा में उस वक्त कोई एक्टिव ऐसी एसोसिएशन थी नहीं, और गवर्नमेंट को हमने कुछ एक डिमांड रखनी थी और वो बिना किसी भी एक बैनर के रखना पॉसिबल था नहीं। तो इसीलिए उन कोशिशों को शुरू करने के लिए, क्योंकि काउंसिल, जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है, किसी भी प्रोफेशन के लिए काउंसिल का बहुत अहम रोल रहता है, तो उसी रोल को पूरा करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बैनर बनाया था जिसका नाम HCAP है, और आज वो एक बड़े परिवार के रूप में आप तमाम लोगों के साथ है, आप उसके सदस्य हैं, सब आप लोग जुड़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। एक अलग मतलब प्लेटफॉर्म आज उसको मिल चुका है। जैसे डॉक्टर रविंदर, आपने अभी काउंसिल के विषय में चर्चा की, तो हरियाणा में फिलहाल आपसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है नहीं जो इस बारे में डिटेल में बता सके, साथ ही साथ हमारे प्रोफेशंस के बारे में भी डिटेल में बता सके। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि काउंसिल के अभी भी कोई लूपहोल हैं, और अगर काउंसिल आई है तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? सर काउंसिल के लूप होल अभी भी काफी है। हमने जो काउंसिल का ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को दिया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के कहने के बाद, उन्होंने उसको एज इट इज उसी फॉर्म में नहीं रखा। डीजी हेल्थ से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि जो आपने ड्राफ्ट दिया है ये वाकई में एक बेहतरीन ड्राफ्ट है, और इसको इसी की फॉर्म में अगर लागू करेंगे तो आपके फील्ड की ऑटोनॉमी और डेमोक्रेसी दोनों बची रहेंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी हुई और हमें थोड़ी बहुत पोस्टों तक ही सीमित रहना पड़ा खुद को। बल्कि इसमें मैं कहता हूँ कि अगर आज की डेट में सबसे बेस्ट अगर किसी काउंसिल का एग्जाम्पल लेंगे तो आप, वो महाराष्ट्र की काउंसिल है और वहाँ के जो प्रेजिडेंट हैं वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और ये सबसे बेस्ट मॉडल है। एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस प्रेजिडेंट की पोस्ट तक पहुंचता है, वो भी बाय द इलेक्शन, तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता। और हरियाणा की काउंसिल में एट प्रेजेंट ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि चीजें धीरे धीरे होती हैं। पहले कुछ भी नहीं था, अब कुछ तो है। तो अभी हमारे पास बिल जो है वो पास हो चुका है, आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा और काउंसिल हमारे सबके सामने होगी। तो जब भी काउंसिल के विषय में चर्चा होती है तो
प्रोफेशनल फिजियो है उनमें से भी कुछ 10% लोगों को पूरी तरह इसके बारे में पता नहीं है, और स्टूडेंट्स तो खैर अभी भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता ये आप सही कह रहे हो, काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को ना ज्यादा कुछ समझ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन और काउंसिल दोनों को मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एसोसिएशन का अपना एक दायरा है और काउंसिल का अपना एक दायरा है। काउंसिल को अगर एक वन वर्ड में मैं कहूँ, हमेशा बोलता हूँ, एसोसिएशन एक संयुक्त परिवार है और काउंसिल जो है वो एक क्वासी जुडिशरी बॉडी है जिसके पास कुछ लीगल्स जो पावर है जिनके सहारे वो कुछ गलत चीजों को रोक सकती है। एसोसिएशन के पास ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो एक जैसे अपना गांव में बड़े कुर्बे होते थे, सेम उसी लाइक एक एसोसिएशन होती है। तो ये एक बिग डिफरेंस है अभी भी। बल्कि आपने एक सवाल जो उठाया इसमें मुझे एक किसी बच्चे का एक याद भी आ गया, उसने मुझे एक बार बोला था कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि अब काउंसिल आ गई है तो उनको पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको सब कुछ पका पकाया मिलेगा, जॉब्स बहुत ज्यादा होंगी। तो ये मैं अभी जो मुझे सुन रहे हैं फिलहाल, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि काउंसिल सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी देगी, आपको ऑटोनॉमी देगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वो एकदम रातों रात आपके लिए कुछ करेगी तो ऐसा नहीं होने वाला। वो एजुकेशन स्टैंडर्ड रेज करेगी, ये डेफिनेट है, लेकिन पढ़ना अल्टीमेटली बच्चों को पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना उनका गुजारा नहीं है। तो अभी मैंने जैसे कल आपकी पोस्ट डाली थी कि हम ऐसे ऐसे इंटरव्यू रन करने वाले हैं, तो मैंने कुछ सवाल जवाब मांगे थे, तो वो हाँ जो सवाल है थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, तो मुझे आपकी सहमति चाहिए। जब मैं पूछूं तो आप चाहें तो उनको बाईपास भी कर सकते हो अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, अगर सर, लगे कि देखिए कंट्रोवर्शियल। जितना मुझे पता होगा मैं कोशिश करूंगा बताने की, बाकी रहा सवाल कंट्रोवर्सी का तो मेरे नाम से अक्सर वैसे ही हो जाया करती है, तो वो मेरे लिए कुछ नया नहीं। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूँ। तो पहला सवाल मुझे भेजा था वो थे डॉक्टर रोहित पांडे हैं दिल्ली से, उन्होंने लिखा है कि सर मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये आईएपी वालों को मुदगिल सर और एचसीएपी से क्या प्रॉब्लम है, वो खुद कुछ करते नहीं हैं और जो अपने प्रोफेशन के लिए अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा है डॉक्टर रोहित पांडे ने, तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सर जवाब मैं बिल्कुल देना चाहूंगा, पर मैं साथ साथ एक सुझाव भी देना चाहूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे हमारे अभी भी ऐसे साथी हैं जो शायद खुले तौर पे आईएपी के विरोध में शायद नहीं आना चाहते या नहीं बोलना चाहते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिसके भी सवाल हैं उनके नाम छुपा लें। ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपका नाम ले सकता हूँ, उन्होंने कंसेंट दिया था, सर बेफिक्र होकर नाम ले। कंसेंट अगर किसी से लिया है तो बेशक आप उन लोगों के नाम रखो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोग दिलेरी दिखा रहे हैं, हौसला आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं जी पीछे सपोर्ट है जी, सामने तो नहीं जी, वो फिर बाद में परेशान करते हैं इनके लोग, तो मतलब इस तरह की चीजें हैं। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। देखिए वैसे ये सवाल तो बनता तो मेरे लिए तो नहीं बनता, ये तो बनता उनके लिए है जो अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे इसका जवाब पूछा जा रहा है तो मेरा मानना ये है कि हमें 70 साल करीब हो चुके हैं एक सेंट्रल काउंसिल का सपना देखते हुए, और शायद आज तक हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल लीडरशिप का कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिशें नहीं की, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, कोशिशें की गई हैं, बहुत बार की गई हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, बाद में जुड़े उन मूवमेंट से, कुछ ऐसी कोशिशों में हम भी शामिल हुए हैं, कुछ में आप भी शामिल हुए होंगे डेफिनेटली, चाहे वो जंतर मंतर रहा हो या दांडी रहा हो, बहुत सारी कोशिशें भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो संगठित कोशिशें नहीं थी, या डिवाइड जो उसके अंदर बीच में पावर बाइफर्केशन का कुछ चक्कर रहा। लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में मैं देखूं इस बात को, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के नाम पे पीछे जो सेंट्रल काउंसिल में हुआ वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि मात्र 20-30 वोटों से लोगों को चुना गया, जबकि अपने आप को एक इतनी बड़ी एसोसिएशन होने का ये दावा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के नाम पे किया गया है वो एक सिर्फ छलावा है, और शायद उस छलावे के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाएगा तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रोवर्सी तो उसी के साथ होगी, लोग उसी को रोकेंगे ना जो आपसे आगे निकल रहा है, आपसे पीछे वाले को तो आप कभी रोकोगे नहीं, जो आगे जा रहा है उसकी कोशिश करता है बंदा कि इसको खींच ले पकड़ के पीछे, ये आगे जाके क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। तो कोई नहीं, मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, मैं मनमौजी आदमी हूँ, जो मुझे सही लगता है, जो फील्ड के लिए जरूरी लगता है मैं वो अक्सर उठा देता हूँ। पर्सनल में किसी के खिलाफ ना पहले था ना हूं,
हाँ, पिछले 1-2 दिन में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ मेरे साथ, वहां मैं थोड़ा सा पर्सनल किसी के विरुद्ध अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं डेफिनेटली कभी ना कभी जरूर बोलूंगा। वैसे मैं विरुद्ध हमेशा रहा हूँ, पर्सन के विरुद्ध मैं कभी भी नहीं रहा। जी, हमारा अगला सवाल भी है, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो दिल्ली से हैं। उन्होंने भी, हालांकि ये सवाल आईएपी से बनता, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं, सर आईएपी जैसी एसोसिएशन का क्या मतलब? उसके होते हुए किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं, मेंबरशिप किस बात के लिए लेते हैं जब हमारे साथ कुछ होता है वो तो उसके सपोर्ट में नहीं रहते? ये भी एक और कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, तो आप देना चाहेंगे इसका जवाब? बिल्कुल बिल्कुल सर, देना चाहेंगे। बात ये है सर, देखिए सवाल ये पहली बार की तरह भी यही कहूंगा, सवाल ये मुझसे नहीं बनता, ये आईएपी से बनता है, क्योंकि मैं आईएपी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं बैठा हूँ। हाँ, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव जरूर हूँ, मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मैं भी इस बात को तहे दिल से मानता हूँ कि जब कभी जरूरत होती है तो ये संगठन जो अपने आप को इतना बड़ा होने का दावा करता है कभी मदद के लिए नहीं खड़ा होता, ऐसे बहुत से मौके हुए हैं। और एचसीएपी का जो हरियाणा में आज से 10 साल पहले जन्म हुआ वो इसी बात का परिणाम है। अगर उस वक्त यहाँ हरियाणा में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी इन लोगों की होती और हम लोगों की लुक आफ्टर करती, हमारी आवाज उठाती, तो शायद हम उसी से जुड़ते, अपनी आवाज को उसी के साथ मिलकर मजबूती से रखते। लेकिन हमने अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया क्योंकि उस वक्त हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, और जहां जहां है वहां भी एक न्यूट्रल है, नल एंड वॉइड सिचुएशन है। अभी भी बहुत सारे, मैं बताऊं, मैं परमात्मा की दया से चलो बैठा हरियाणा में हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ दिन पहले बाहर के अलग दूसरे स्टेटों से कॉल आती हैं और वो कहते हैं सर हमारे को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, हमारे ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं, हमने लोगों को अप्रोच भी किया है लेकिन हमें कहा जाता है पहले मेंबरशिप लो, पहले पैसा भरो, उसके बाद हम आपकी कंप्लेंट देखेंगे कि क्या है। डिसीजन तो बाद में आएगा कि उस पर कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की जो ये बातें करते हैं ये गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ एसोसिएशन सिर्फ एक बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, लीगल अथॉरिटी उसको कुछ नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। लीगली वो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ये भी मुझे पता है, लेकिन एक बड़े परिवार का क्या रुतबा होता है? अगर परिवार के छोटे सदस्य को, किसी छोटे बच्चे को किसी ने कुछ कहा तो परिवार के बुजुर्गों को आगे आना चाहिए और वो बात को वहीं सेटल करे। लेकिन यहाँ शायद बुजुर्ग वो भूमिका निभाने में नाकाम रहे, इसलिए शायद इनसे आस्था और विश्वास लोगों का टूट भी रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से आजकल हो रहा है। बहुत कम लोग आजकल इस तरफ जाना पसंद करते हैं क्योंकि अब लोग बेसिक डिफरेंस समझ चुके हैं, आइडियोलॉजी का एक जो बड़ा दोनों के बीच में गैप है। तो पब्लिक तो आजकल देखो, आप अगर मेंबरशिप लेते हो या मैं भी लेता हूं तो क्या सोच के लेता हूं कि ये परिवार मेरे साथ खड़ा होगा किसी दिन, यही तो है ना हमारी एक लालच। अगर वो जी, भी होगी तो हम क्यों खड़े होंगे किसी के साथ। अब डॉक्टर मुदगिल, अगला सवाल है हमारे एक फिजियो फ्रेंड है सोनीपत से, उन्होंने दिया है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी विनती है कि जिस विनोद कुमार ने मुदगिल भाई के मुंडन पे राजनीति की है उस पे इस इंटरव्यू में सवाल जवाब हो, और डॉक्टर मुदगिल इसका जवाब दें। सर ये तो नाम लेके ही हो गया, कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो जाए, देख लेना आपका चैनल है, मैं तो जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं तो डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। अगली अगली बार हो सकता है मैं आईएपी के प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँ कि वो आए मेरे चैनल पे, अगर वो इस छोटे चैनल पे आना चाहेंगे तो उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन नहीं, किसी ने पूछा तो जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं। देने की तो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सीधी सी बात है, मैं इसको थोड़े छोटे शब्दों में दूंगा, स्टोरी बड़ी लंबी है। सिंपल सी एक बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश की जनता का कोई भी आदमी नुमाइंदा अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी मांग सकता है, ये डेमोक्रेसी है। हमने एक चिट्ठी लिखी सीएम साहब को, रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो नए फिजियोथेरेपी चिकित्सक हैं उनको कोई 10-1 हजार रुपए मिनिमम से मिनिमम इतने तो हो, एक फाइनेंशियल बेनिफिट पर मंथ दिया जाए, और किराए जो हैं जिन लोगों के किराए के भवनों में डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनको किराया डीसी के थ्रू माफ करवा दिया जाए। ये हमने एक रिक्वेस्ट डाली, जेन्युइन रिक्वेस्ट है, मानने ना मानने वो सरकार की बाद का पर्सपेक्टिव है, लेकिन रिक्वेस्ट करना एक संगठन की ड्यूटी है इसलिए हमने रिक्वेस्ट की। तो हमने मेरे ख्याल यहाँ कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद कुछ साथियों को लगा कि हमने उसमें पैसे कम लिखे, हमें ज्यादा लिखना चाहिए था। तो मेरा यहाँ एक क्लियर सा मानना ये है कि देखो हम आर्थिक मदद मांग रहे हैं, हम किसी पे बोझ नहीं बन रहे। जब आप मदद मांगते हो तो मदद तो इतनी होती है कि थोड़ी बहुत मिल जाए, आपका भी काम चल जाए, सरकार का भी चलता रहे। तो इसलिए हमने उसमें कोई इतना बड़ा पैकेज नहीं रखा हुआ था, तो वो मेरी सोच है। लेकिन मेरे साथियों को अगर कुछ को लगता था, कुछ संगठन विशेष को, कि वो अमाउंट ज्यादा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो
तो उनको ये चाहिए था कि वो लेटर लिखते और सीएम से डिमांड करते। मैंने किया, वो भी कर सकते हैं, सबको हक है, कौन किसको रोक रहा है आप। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा जब सीएम साहब ने बाद में एमबीबीएस और बीडीएस जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं उन लोगों को लिए भी फाइनेंशियल बेनिफिट दिए गए, उनको आर्थिक पैकेज में शामिल किया गया, पीपी जो है उनको सस्ते की दरों पर मुहैया कराई गई सरकारी रेटों पर, इस तरह की घोषणा सरकार ने की। तो उसके बाद हमने भी अपने तरफ से प्रयास किया कि सर एप्लीकेशन तो हमने भी दी थी, उसका क्या बना, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब इन्हीं प्रयासों के बीच हमारे एक साथी जिनका नाम आपके मैसेज में अभी आया था, उन्होंने किसी एमएलए से बात की, एमएलए से उन्होंने बात जब की तो एमएलए से उन्होंने पूछा, उनका पूछना सही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बात की, क्योंकि ये एक हिम्मत की बात होती है कि हम सवाल करते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। लेकिन बुरा जब लगा जब एमएलए साहब ने कहा कि आप लोग फर्स्ट लाइन प्रैक्टिशनर नहीं है, आप लोग कोविड के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, आपके पास तो इवन उन्होंने ये तक कहा कि आपके पास तो मरीज 6 महीना बाद आएगा, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। लेकिन एमएलए ने तो गलत करी ही करी, यह गलत उस फिजियोथेरेपिस्ट ने भी की जिसने एक बार भी उस कॉल को इंटरप्ट करके ये नहीं कहा कि एक्सक्यूज मी मैम, हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन मैं बता दूं कि आईसीयू में भी लोग काम करते हैं। जब विधायिका जी ने, एमएलए जी ने ये कहा कि डेंटिस्ट को दिया गया है, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैम डेंटिस्ट का कोविड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो जितना डेंटिस्ट का है उतना एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी है, बोथ आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो वो इतना कह सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं कहा। फिर भी कोई बात नहीं, वो मेरे परिवार के सदस्य थे, उनमें मीन मेख निकालना मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उनका कोई जिक्र नहीं किया। अगले ही दिन मैंने देखा कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साथी जो है वो कोविड के चलते जो है शहीद कहूंगा मैं तो इसको, शहीद हो गए। तो जब वो उनकी शहीदी हुई तो सबसे पहला जो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि कैसे मैं इस एमएलए को ये समझाऊं कि ये गलत कर रही है। तो जो मेरे मन में सबसे पहला, क्योंकि हम देखिए हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे यहाँ क्या होता है जब परिवार के किसी अपने की मृत्यु होती है तो परिवार में ये चलन है कि लोग अपने बाल उतरवा देते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा इस वक्त संदेश देने का, उसको विरोध करने का गांधीवादी तरीका है। तो मैंने अपने बाल अपने उस भाई की मृत्यु के उसमें अफसोस में तो उतरवाए, प्लस मैंने अखबार को, मीडिया को, तमाम लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट दिया कि जो ये विधायिका जी हैं इनके बयान सही नहीं है और इनको ये सोचना चाहिए, क्या ये इस बात का इंतजार कर रही है कि जो आज तमिलनाडु में हुआ वो कल को हरियाणा में हो, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट याद आएंगे इनको। तो मेरा सवाल वहां तक भी जायज था, मैं अपनी प्रक्रिया अपनी कोशिशें निरंतर कर रहा था, मैंने ना उनसे उनको इंटरफेयर किया ना उनकी किसी प्रोसेस को रोकने की कोशिश की। लेकिन उनका एक अचानक से इस तरह का मजाक बनाना अपने ही वॉल पर कि एक बच्चे का फोटो लगा के और इस तरह के जुए वगैरह की उसके साथ उन्होंने एडिटिंग वेडिटिंग करी, बहुत मेहनत करी होगी मैं समझता हूँ, आधा घंटा जरूर खर्च हुआ होगा उस पोस्टर को एडिट करने में, और इतनी मेहनत उन्होंने बताओ मेरे लिए की, और वो भी किस लिए, सिर्फ मेरे को नीचे खींचने के लिए, मेरे को ये दिखाने के लिए कि मैं ड्रामेबाज हूँ या मैं इस तरह की चीजें कर रहा हूँ। और वो डिफेंड किसको कर रहे हैं, एमएलए को, किस बात के लिए डिफेंड कर रहे हैं, ये भी समझ नहीं आया। क्या उस ऑडियो को आप तमाम लोग सुन सकते हैं, कोई भी समझदार आदमी उसको सुन के ये जरूर कहेगा कि यार जो इससे बात कर रहा है एटलीस्ट उसको तो बताना चाहिए था कि मैडम आप गलत कह रहे हैं। तो कोई नहीं सर, वो उनका कर्म है, वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहे, मुझे इससे कोई अफसोस नहीं। जो मेरी सोच है, मेरी आइडियोलॉजी है, मैं उस पर चलने वाला हूँ, मुझे ज्यादा दूसरे लोगों की आइडियोलॉजी ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। हाँ, एक वो होता है ना क्षणिक गुस्सा, वो तो आता ही है, जब कोई इस तरह की हरकत आपके साथ करेगा तो जाहिर सी बात है मैं भी भगवान तो हूँ नहीं, इंसान ही हूँ, तो गुस्सा तो कई बार आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं, कोशिश तो बतेरी है ना ही करें। डॉक्टर मुदगिल, अब अगला सवाल भी थोड़ा सा ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये हमारे दिल्ली के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हमारे किसी एक प्रोफेशनल ने भेजा है, वो उनका मानना है कि जब सारी एसोसिएशंस मिलके हमारे प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर रही हैं, तो आप कंट्रोवर्सीज में क्यों रहना पसंद करते हो? सर देखिए, कंट्रोवर्सी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, कंट्रोवर्सी किसके साथ होगी, कंट्रोवर्सी उसी के साथ होगी जो आवाज उठाएगा। आपने जैसे दिल्ली का एक ये सवाल जो दिल्ली से आया, तो इसके जवाब की भी एक झलक दिल्ली से ही आप सुने। एक बड़े सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है दिल्ली के, बहुत बड़े पोस्ट पर है, मेरी एक बार उनसे बात हुई कि सर आपके पास, उन्होंने वो अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे काफी डिटेल्स शेयर करते रहते हैं रिगार्डिंग जो पिछले पास्ट में आईएपी ने क्या किया नहीं किया, कहाँ गलतियां रही। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि सर आप मुझे बताते हैं, मैं आगे रखता हूँ,
आप किसी दिन खुद लाइव क्यों नहीं आते, खुद ये चीजें शेयर क्यों नहीं करते पब्लिक के साथ? काफी सीनियर आदमी है, बुजुर्ग है वो, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर मुदगिल किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है और हो सकता है ये वो सारा पैसा कोई कोर्ट केस करके मुझे कहीं फंसा दें, क्योंकि इनके पास तो पैसा ये कर सकते हैं, पर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं और शायद मेरी अब उम्र भी नहीं कि मैं राजनीति का हिस्सा बनूं, इसलिए मैं पीछे से बैठ के सिर्फ सपोर्ट करना पसंद करता हूं। तो मुझे उनकी बात उस दिन भी सही नहीं लगी थी, आज भी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर बात रखना, अपनी बात रखना राजनीति है तो ये तो सबको करनी चाहिए, ये राजनीति तो सबको करनी चाहिए, लेकिन आप कम से कम बात तो रखो। अगर हर सीनियर आदमी यही सोचने लगा तो जूनियर की बात को रखेगा कौन? तो मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं बात रखता हूँ, बेबाकी के साथ रखता हूँ, अगर उससे कंट्रोवर्सी होती है तो हो जाए, उससे भी मुझे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ये तो बड़ा, बल्कि जिसने सवाल पूछा बड़ा मर्यादित है, मुझे तो जब हमने पीछे चंडीगढ़ प्रोटेस्ट किया था, आप भी उसमें शामिल थे शायद, सेकंड टाइम आप थे उसमें, हाँ बिल्कुल आप उसमें थे, और लास्ट में जब वहां से कुछ साथी एक विशेष गुट के जब वहां से वापस प्रोटेस्ट को बीच में ही खत्म करके, वहां हमारी क्या बात हुई थी? बात लास्ट में जब हम प्रोटेस्ट के लास्ट क्षणों में थे, अगर वो प्रोटेस्ट को वहां से खत्म करते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब अपने घर आ जाते, वो एक फेलियर हो जाता और हम एक्सेप्ट करते उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज प्रोटेस्ट खत्म करेंगे शाम को, कल सुबह फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने उस भरी सभा में सारे लोगों के सामने ओपनली अनाउंस किया, और वहां से निकलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब वो तो सिर्फ वहां से निकलने का तरीका था, अब अपन कल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अब यहीं से घर चलते हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन मैंने जिद की कि नहीं भाई, तुम झूठ बोलकर जा सकते हो, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने अनाउंस कर दिया, भले ही अनाउंस तुमने किया, मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथी था उस मोमेंट पे, तो मैंने भी तुम्हारा भरोसा करके प्रोटेस्ट खत्म किया, तो मैं तो कल सुबह से शुरू करूंगा, जे मैं अकेला बचूं या दो लोग बचे। उन्होंने मुझे वाइवन ये तक कहा कि ये तो बड़ा सनकी आदमी है, उन्होंने वहां से ये भी डाला कि नहीं जी सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, बस हम वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं रुका। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, वहां रुकने का बेनिफिट बताता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं रुका तो वहां डीजी हेल्थ से मेरी नेक्स्ट डे मीटिंग फिक्स हुई, वहां रुकने की वजह से। मैं तमाम 5-7 साथी मेरे वहां थे, कुछ मेरे स्टूडेंट, कुछ और फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, हम 5-7 लोग, जब तक डीजी ऑफिस पहुंचे तब तक हम 12 से 15 करीब हो चुके थे। हम 10-15 लोग डीजी ऑफिस में गए, डीजी के साथ मीटिंग की, काउंसिल के बिल को हमने आराम से अपने हाथ में लेके उन्होंने बताया कि इस पे यहां तक काम चल रहा है, और नेक्स्ट डे जो है हमारी मीटिंग फिर से फिक्स हुई, और जो बिल आज कैबिनेट ने पास किया है उसको, जो फर्स्ट जो उसकी कॉपी थी वो मेरे हाथ में थी और पेन मेरे हाथ में था, और मुझे ये कहा गया था कि इसमें जहां आपको जो गलत लग रहा है उसको आप काट के सही करके जाओ। अब वो अलग बात है कि उन्होंने सही करने के बाद भी उसको 100% एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम रुके तो वो सब हुआ। अगर मैं उन लोगों की बात सोचता सुनता तो शायद वापस आ जाता, और वापस आ जाता तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती ही ना, ना मुझे सनकी कहा जाता, ना मुझे किसी और को गलत कहने की जरूरत थी। दो तरह की राजनीति है सर, एक तो आप चुप रहे, अपना काम करते रहे, जो लोग अत्याचारी हैं, आदताई हैं, वो कुछ भी करें, एक तो वो तरीका है। मुझे वो तरीका समझ नहीं आता, क्योंकि मैं जितना गांधीवादी हूँ उतना ही भगत सिंह का भी फॉलोवर हूँ, और भगत सिंह के फॉलोवर ने एक बात, वो भगत सिंह जी भी कहते थे कि कुछ बहरे होते हैं, उनके आवाज खोलने, कान खोलने के लिए ना धमाके जरूरी होते हैं, तो ऐसे तमाम धमाकों की जब भी जरूरत होती है हम करते हैं, आगे भी करेंगे। डॉक्टर मुदगिल, मेरा अगला सवाल एक और है कि जो काउंसिल की मूवमेंट थी उसमें सारा श्रेय हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने लेने की कोशिश की, जबकि हरियाणा के बाकी एसोसिएशन जैसे फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के साथियों ने भी काफी मेहनत की थी। तो आप ऐसा बहुत बार मुझे सुनने को मिलता कि आप लोगों ने उनका श्रेय भी SCAP की तरफ से उठा लिया, जबकि उन लोगों ने भी काफी ईमानदारी से मेहनत की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें एक आपको बात बताता हूँ, कोई भी किसी का भी श्रेय नहीं उठा सकता, कभी भी नहीं उठा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी प्लेट से रोटी उठा के मैं खा सकता हूँ, लेकिन आपका श्रेय, आपका क्रेडिट जो आपने काम किया वो नहीं लिया जा सकता। ऐसे तो जब काउंसिल का बिल पास हुआ मैं चंडीगढ़ था, कुछ साथियों ने यहाँ लड्डू तक बांटे हैं, आपको भी पता होगा, तो क्या मैं ये कहूँ कि उन्होंने मेरा श्रेय ले लिया? नहीं, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, हर आदमी ने कोशिश की है। अगर मैं ये कह दूं, आप किसी भी मेरी पुरानी वीडियो को उठा के देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आर के मुदगिल अकेला जाके काउंसिल ले आया, ना, पॉसिबल ही नहीं था। मैं मूवमेंट का अगुवा हो सकता हूँ,
मूवमेंट का ईंधन हो सकता हूं जो उसमें जला था ताकि वो इंजन चलता रहे, लेकिन मैं उसका सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी दीवार बिना ईंटों के नहीं बनती। और उस ईंट में हरियाणा के एक एक फिजियोथेरेपिस्ट का साथ है, एक एक का। किसी एक पर्टिकुलर बैनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने शायद किसी भी मोमेंट में चंडीगढ़ में जाके पैर भी नहीं रखा होगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं साइलेंटली किसी ना किसी अपने लोकल एमएलए को बोला होगा, किसी अपने एमपी को बोला होगा, किसी ना किसी पेशेंट को गाइड किया होगा कि भाई ये हमारी मूवमेंट है, ये इसलिए जरूरी है, कभी मीडिया में बोला होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब लास्ट टाइम हम लोग चंडीगढ़ गए थे उस टाइम मैं आपको ये कहता हूं कि जितना रोहतक से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था इंटेलिजेंस पर, उसका इक्वली प्रेशर हिसार से बिल्ड किया गया। हिसार के साथियों ने पूरा इंटेलिजेंस को ये बताना कि हमारी मूवमेंट कब शुरू होगी, कितने लोग निकलेंगे, कितनी बसें निकलेंगी। मैं रेगुलर संपर्क में था, किया है, कौन मना करता है? अगर ऐसा कोई कहता है कि मैंने किसी का श्रेय ले लिया है या मैं किसी का श्रेय ले रहा हूं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी का श्रेय लो। एक एक आदमी कीमती है, एक एक। मेरी तो एक, मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी कि जब कोई वो पुल बन रहा था रामायण के टाइम में, जब लंका पे चढ़ाई हो रही थी, तो एक गिलहरी मट्टी डाल रही थी समंदर के अंदर, तो किसी ने पूछा कि तेरी मट्टी से क्या हुआ? उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो जरूर मेरा नाम आएगा कि गिलहरी ने भी मट्टी डाली। तो मैं तो समझता हूँ कि हम तो तमाम इतनी सारी गिलहरियों ने मिलकर इतना बड़ा ये पुल भी बना दिया, काउंसिल का बिल भी पास करा दिया, और अब हम काउंसिल भी बना देंगे। हाँ, वैचारिक मतभेद बहुत बार होते हैं, बहुत बार रहते हैं कई चीजों को। अब लोगों को मैं आपको बताऊं, अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है, जब मैंने पिछली बार काउंसिल का ड्राफ्ट अपलोड किया था सरकार द्वारा, उसका विरोध किया था, उसके विरोध में पूरे देश से 1500 के करीब लेटर भिजवाए थे सबको, रिक्वेस्ट कर करके। इवन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में उन दिनों वाइस चांसलर होते थे डॉक्टर कृष्णा एन शर्मा, अभी भी वही है, उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट पे लेटर भेजा था सरकार को कि आप गलत कर रहे हो। उस वक्त भी मेरे ही काफी फिजियोथेरेपी साथियों ने इस बात का विरोध किया था, उन्होंने ये यहां तक भी कहा था कि डॉक्टर मुदगिल इसलिए विरोध कर रहे हैं इस काउंसिल बिल का क्योंकि इसमें वो प्रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो वो उनकी सोच है, मैं तो इलेक्टेड बॉडी डिमांड कर रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी का मतलब है जिसमें सभी लोग इलेक्शन लड़ सके, उसमें अकेला आर के मुदगिल क्या करेगा? लड़ने का हक सबको है, इलेक्शन मांग रहा हूं भाई, मैं कोई सिलेक्टेड पोस्ट नहीं मांग रहा, मैं इलेक्टेड पोस्ट मांग रहा हूं, और आप तमाम लोगों के लिए मांग रहा हूं, उसमें आप भी उतने ही हकदार हो। जे डॉक्टर नवीन गनेर एक पर्चा भर के इलेक्शन लड़े, आर के मुदगिल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूं कि जो प्रेसिडेंट हो वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, इसलिए मैंने उसका विरोध किया था। फिर भी वो चलो बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई, आज भी हमारा प्रेसिडेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता, मुझे इस बात का भी अफसोस है। और कभी भविष्य में अगर मौका मिला तो इसको ठीक करने की कोशिश फिर से करूंगा, और मैं डेफिनेट जानता हूं कि उस दिन भी मेरा विरोध किया जाएगा मेरे साथियों द्वारा, ये कहकर किया जाएगा कि डॉक्टर आर के मुदगिल प्रेसिडेंट नहीं बने काउंसिल के, इसलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें कोई ना तो दिलचस्पी है, ना कोई मुझे इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत कि मुझे उसका प्रेसिडेंट बनना ही है या नहीं बनना है। इलेक्शन होगा, सबके लिए बराबर होगा, आप भी आमंत्रित हैं, मैं भी आमंत्रित हूँ, उस दिन के हालात उस दिन देखे जाएंगे। ये आज की नहीं, आज से कई साल आगे की बातें हो रही हैं, तो इसलिए अभी इन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर मुदगिल, अभी जस्ट ये अपना इंटरव्यू कंपाइल करने से पहले एक आखिरी सवाल है। जैसे कोविड के चलते हमारी फिजियो हरकोन जो अभी 2020 में होने वाली थी, उसके ऊपर थोड़े से बादल छाए हुए हैं, तो उसका क्या रहेगा, कब होने वाली है? सर देखिए, अल्टरनेट ईयर्स पे होती है, आपको पता ही है, फिजियो हरकोन हमेशा से होती रही है हरियाणा में, और आप तमाम लोगों का सहयोग हमेशा उसमें बना रहा है, और उम्मीद करते हैं आगे भी बना रहेगा। अभी अब कोविड है, ये तो एक देखिए वैश्विक आपदा है, इसमें तो ये कहना गलत होगा कि नहीं जी हम तो जिद करेंगे और कॉन्फ्रेंस करा के ही मानेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर हालात सुधरे तो उसका शेड्यूल सब तैयार है, रेडी है, 19-20 सितंबर जो उसके लिए डेट वगैरह सब फिक्स की गई है, उन्हीं के हिसाब से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर हालात नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, उसको या तो आगे पोस्टपोन कर लिया जाएगा या उसको डिजिटल वे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे यूथ फिजियो वेबिकॉन अभी आपने देखा, मैंने तो देखा डिजिटल बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया, 3000 करीब पार्टिसिपेंट एक कॉन्फ्रेंस में जुड़े। मैं तो समझता हूँ कि डिजिटल एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएटर है जी। ओके, तो डॉक्टर मुदगिल, इंटरव्यू खत्म करने से पहले आपका कोई संदेश है हमारे फिजियोथेरेपी साथियों के लिए, ताकि मेरा एक ही संदेश है कि आप सबकी सुने, सुनने के लिए परमात्मा ने दो कान दिए हैं, आराम से सुने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक दिमाग दिया है आपको, वो दिमाग इसीलिए दिया है कि आप उसमें सोच सके जो आपने सुना है, क्या वो सही है या वो गलत है। और दूसरा, आवाज उठाना सीखें, बात रखना सीखें, क्योंकि जो आवाज नहीं उठाता, जो बात नहीं रखता, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं, वो पॉलिटिकली इनसेंसिटिव हो जाता है।
जब भी ये बात उठती है कि फिजियोथेरेपी में ओके ये, बल्कि मुझे अभी कई लोगों ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ये तो जो आप कर रहे हो इस तरह से तो विरोध का जो तरीका, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपनाते हैं, आपने क्यों अपनाया? तो मैं साफ कहता हूं भैया, विरोध करने का हक सबको है। सरकारों के आगे जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे तो सरकार आपकी क्यों सुनेगी? तो सरकार को सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। डॉक्टर साहब शायद कनेक्शन टूट गया है, हमारी बात पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हाजी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा क्रैश हो गया था नेटवर्क। मैं जाने से पहले ये पूछना चाह रहा था कि आप कुछ पॉजिटिव वाइब्स देना चाहेंगे हमारे फिजियोथेरेपी साथियों को? बिल्कुल सर, देखिए हर बुरी चीज में एक अच्छी चीज भी होती है। आप ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं और अपने आप को अपने काम को बहुत अच्छे से करें। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल मेरे पास फिलहाल है डॉक्टर नवीन गणेल, आपके नाम से ये एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा सर। डॉक्टर नवीन गणेल वो पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर मेरे ख्याल ना तो आज तक किसी भी एसोसिएशन का कोई लेबल लगा है हरियाणा में कि ये फला एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या ढिमकाना एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने काम को बखूबी अच्छे से कर रहे हैं। एलाइट मैनुअल जो इन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया, एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और हरियाणा में ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं होगा जो इनको नहीं जानता है। कारण क्योंकि ये अपना काम ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हैं, तो हर आदमी अच्छा करेगा तो ये प्रोफेशन अपने आप ओवरऑल बिल्ड करेगा, ओवरऑल ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। चलो डॉक्टर मुदगिल, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो उम्मीद है आप भविष्य मिलते रहेंगे। सो सारे व्यूअर्स को भी धन्यवाद यहाँ रहने के लिए। सो इसी के साथ मैं इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, जय हरियाणा, जय फिजियोथेरेपी, जय भारत।